इस बार बड़े पर्दे पर आ गई है ईशान खट्टर की फिल्म बियॉन्ड द क्लाउड्स। फिल्म में ईशान खट्टर हैं और साथ में है मालविका मोहनान। 2 घंटे 2 मिनट की इस फिल्म को बनाया है ईरान के फिल्म मेकर माजिद मजदी ने। उन्होंने अपनी फिल्मों के मीडियम से लोगों का दिल जीता है हमेशा। उन्होंने फादर, चिल्ड्रन ऑफ हेवन, बारन, मोहम्मद जैसी कई सारी फिल्में बनाई जिन्हें दुनिया भर के दर्शकों ने पसंद किया है, इन्हें काफी सराहा गया है। इंडिया की पृष्ठभूमि पर मजदी ने एक फिल्म बनाई है जिसका नाम है बियॉन्ड द क्लाउड्स। इस फिल्म के माध्यम से जहां एक तरफ एक्टर शाहिद कपूर के भाई ईशान खट्टर हिंदी फिल्मों में एंट्री कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ साउथ की एक्ट्रेस मालविका मोहनन ने भी बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा है। कई सारे फिल्म फेस्टिवल में ये रिलीज हो चुकी है और अब इंडिया में ये फिल्म रिलीज हो रही है। फिल्म की कहानी मुंबई के चौल में रहने वाले आमिर यानी ईशान खट्टर से शुरू होती है, जो एक जगह से दूसरी जगह ड्रग्स पहुंचाने का धंधा करता है। आमिर के माता पिता का बचपन में ही देहांत हो जाता है, जिसकी वजह से तारा मालविका मोहनन उसे अपने घर में ले आती है और छोटे भाई की तरह पालती है। हालांकि तारा के द्वारा आमिर को घर लाना उसके पति को बिल्कुल पसंद नहीं आता। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन तारा को पता चलता है कि आमिर ड्रग्स का बिजनेस करता है। किन्हीं कारणों से तारा जहां काम करती है वहां किसी को वो घायल कर देती है, इस वजह से उसे जेल में जाना पड़ता है। अब एक तरफ आमिर की जिंदगी में तारा को बचाने की जिम्मेदारी आती है, तो दूसरी तरफ हॉस्पिटल में भर्ती इंसान की गवाही तारा को छुड़ा सकती है। आखिर क्या होता है ये जानने के लिए फिल्म आपको देखनी पड़ेगी। माजिद मजदी की एक खासियत है कि वो हमेशा से ही अहम मुद्दों पर बात करते हैं। इस बार उन्होंने मुंबई की चौल में रहने वाले एक लड़के के इर्द गिर्द घटने वाली घटनाओं को दिखाने का प्रयास किया है। वैसे तो माजिद को हिंदी भाषा का ज्ञान नहीं है, लेकिन जिस तरह से उन्होंने इस कहानी के माध्यम से अपनी बात कहने की कोशिश की है वो काबिले तारीफ है। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन बिल्कुल कमाल है, लेकिन फिल्म की कमजोर कड़ी है फिल्म की कहानी और ईशान की एक्टिंग, जो बहुत खास नहीं है। कहानी में दम नहीं है, फिल्म का क्लाइमेक्स भी शायद काफी लोगों को पसंद ना आए। 18 करोड़ में बनी ये फिल्म बहुत ज्यादा बिजनेस तो नहीं कर पाएगी, लेकिन फिर भी ईशान के लिए ये एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। थिएटर में अगर आप जाते हैं तो ये फिल्म 100 में से सिर्फ 55 रुपए ही वसूल करा पाएगी। बियॉन्ड द क्लाउड्स रनिंग इन द थिएटर्स नियर यू।